All right, Siddharth Pandey is now at that very street, that very road. Let's go across to him. Siddharth, some would say that he's a politician and he's being typically adamant. Well, I guess to a certain extent that would be true, because there are more than 154 ex-MPs who still continue to hold on to the flats that were allotted to them. And essentially now, 3 months after the government was sworn in, the new parliament is in, they're now trying to evict those MPs who are no longer MPs. But the problem is, as far as Mr. Sai is concerned, and he's here with me, he was evicted 2 days ago. And the problem was that essentially, he'd lost from the Lok Sabha, but his party had made him a member from the Rajya Sabha. He'd been given this house, and since then he's been out here, because this house essentially was allotted to him. Sai Sahab, aap tab se baithe mein, shayad log yahan manane bhi aaye the aapko, aap wapis kyun nahi ja rahe, aapka sara saman bahar hai bhi. Dekhiye, aisa hai ki main Lok Sabha ka pichla chunav nahi lada tha, lekin us 14th Lok Sabha ka sadasya tha, to ye 176 South Avenue mujhe allot hua tha. इस बार जब राज्यसभा में मुझे भेजा गया तो मैंने अपने हाउस कमेटी के चेयरमैन साहब जो हैं भुवनेश्वर कलिता जी, उनको कहा कि मुझे राज्यसभा की तरफ से निवास की व्यवस्था आप करवा दें. उन्होंने कहा फिलहाल आप यहीं रहो, और इसकी उन्होंने स्वीकृति भी दिला दी. बट साई साहब, ये तो चिट्ठी बताती है कि ये घर जो आपको अलॉट किया गया राज्यसभा से, लेकिन और कई सारे MPs हैं जो अब तक पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन अब भी अपना वो कसौटी जमा के रखे हुए उन्होंने वहां. वही तो मामला है कि मैं समझता हूं ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं जो हारे हुए हैं, जो मेंबर नहीं हैं, वो चाहे रेणुका चौधरी हों या उधर बाघेला जी हों या अन्य जो सदस्य हैं, वो सब तो बड़े बड़े मकान पर कब्जा किए हुए हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है. हम निर्वाचित सदस्य हैं, हमको यहाँ से बेदखल कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया, और उसके बाद में सारा सामान फेंक दिया गया है. आखिर ये मानदंड कैसे अपनाया जा रहा है, यही तो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको भी खोजना है और मुझे भी खोजना है. एक प्रश्न और आपके लिए, बताएं कि शायद उन्होंने माफी मांग ली है जो डायरेक्टर ऑफ स्टेट से, कि शायद गलती हो गई, पेपर वर्क सही समय पे नहीं पहुंचा, अब आप सामान लेके वापस अपने घर कब जाएंगे? अब देखिए, वो तो हमारे नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, क्या चर्चा किया है, उनसे मेरी भी बात हो रही है. सवाल ये है कि मुझे जो मेरा वैधानिक हक है, वो मकान हमको दे दें, हम जाएंगे, यहाँ रहने का विषय नहीं है. लेकिन उन्होंने जो गड़बड़ किया है, जो गलती किया है, जिन लोगों ने किया है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. ये छोटा मोटा गलती नहीं है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो, ये भी हम उनसे निवेदन करें. एंड जो MPs इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं अभी फ्लैट्स, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए? वो तो तत्काल हटा दिए जाने चाहिए. उनके खिलाफ भी कार्रवाई? वो तो वो जानेंगे, संपदा मंत्रालय वाले, उनकी क्या विधि विधान है. लेकिन वो लोग बैठे रहें और निर्वाचित संसद सदस्य को सड़क पर ले आए, ये तो कहीं से उचित नहीं. शुक्रिया. Well, as you heard it there, he is clearly saying that there is politics involved as well, that only the opposition members are being asked to vacate. Several from the Congress party, the ruling government, who are no longer MPs, they continue to, of course, illegally stay in their houses. So clearly politics there emerging once again in this debate. All right, Siddharth can't get over the fact that's an elected parliamentarian sitting on the road with his entire baggage. Thanks very much. Well, tubar.com.